महेंद्र प्यासा जी, जो बाबा साहब के ऊपर बहुत अच्छा लिखते हैं, बाबा साहब की कविताएं लिखते हैं, बाबा साहब के गाने लिखते हैं और बाबा साहब पे शेर व शायरी लिखते हैं और बाबा साहब का दर्द इनके दिल के अंदर झलकता हुआ नज़र आता है और बाबा साहब को इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा और बाबा साहब को ये आगे इस मिशन को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। तो महेंद्र प्यासा जी, आपका SM न्यूज़ में आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। महेंद्र प्यासा का सर, आज बाबा साहब का महानिर्वाण परिनिर्वाण दिवस है, उस उपलक्ष्य में आप बाबा साहब के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ना हो के भी आज हमारे बीच में हैं, क्योंकि उन्होंने जो रास्ता बताया, उन्होंने जो शिक्षाएँ दी, वो आज भी हमारे बीच में हैं। अगर हम उन पर चलते हैं तो हम कोई भी विकास की मंजिल को पार कर सकते हैं, पा सकते हैं आसानी से। और उन्हीं उसी बात को मैं सार्थक करते हुए अपनी कविता की कुछ लाइनें आपको सुनाना चाहूँगा। मेरे प्यारे बाबा ने, मेरे प्यारे बाबा ने हमें दिया बुद्ध का ज्ञान। मेरे प्यारे बाबा ने हमें दिया बुद्ध का ज्ञान और हम जैसों की जग में बढ़ा दी मेरे भीम ने शान। धम्म की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम्म की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। सदियों से हम पे छाए विपदा के बादर कारे, सदियों से हम पे छाए विपदा के बादर कारे। मानस होते हुए भी हम फिरते मारे मारे, मानस होते हुए भी हम फिरते मारे मारे। मेरे प्यारे बाबा ने, हाँ मेरे प्यारे बाबा ने एक बात हमें बतलाई। धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। मेरे प्यारे बाबा ने हमें दिया बुद्ध का ज्ञान, हम जैसों की जग में बढ़ा दी मेरे भीम ने शान। धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। और क्या किया बाबा साहब ने? अरे रच संविधान बाबा ने, हक हमारे दिलवाए। रच संविधान बाबा ने, हक हमारे दिलवाए। जो ख्वाब देखे थे हमने वो सारे सच कर दिखलाए, जो ख्वाब देखे थे हमने सच सारे कर दिखलाए। ऐसे प्यारे भीम हमारे, ऐसे प्यारे भीम हमारे दलितों के भगवान। धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। मेरे प्यारे बाबा ने हमें दिया बुद्ध का ज्ञान, हम जैसों की जग में बढ़ा दी मेरे भीम ने शान। धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। और इसके अंतिम लाइन है, अरे आओ हम सब मिल कर के बाबा को शीस झुकाएं, आओ हम सब मिल कर के बाबा को शीस झुकाएं। जो राह बताई उस पे हम चल कर के दिखलाएं, जो राह बताई उस पे हम चल कर के दिखलाएं। चरणों में सिर धारू पी, हाँ चरणों में सिर धारू पी हम गीत भीम के गाएं। चरणों में सिर धारू पी हम गीत भीम के गाएं। धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। अरे रे, धम की राह दिखलाई, ज्ञान की जो जलाई। और देखिए सर, मैं 2 मिनट और चाहूँगा आपके। आजकल कुछ लोग कहते हैं कि व्यवस्था बदल गई है, लेकिन आप सच मानिए, जो भी न्यूज़ चैनलों में आता रहता है या अखबारों में पढ़ते रहते हैं, आपको लगेगा कि अभी कुछ नहीं बदला है, अभी एज इट ऐसे ही है।
और उस स्थिति को मैंने सार्थक करते हुए कुछ एक कविता लिखी है, मैं चाहूँगा उसके भी कुछ पंक्तियाँ आपके सामने पेश कर दूँ। धरती और आकाश रो रहा, अन्याय अत्याचार हो रहा, इंसान इंसान का दुश्मन बना है, मुंह छुपाए भगवान सो रहा, मुंह छुपाए भगवान सो रहा। युग बदले इतिहास बदल गए, 21वां युग आया है, युग बदले इतिहास बदल गए, 21वां युग आया है, पर सोचो दलितों के आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। युग बदले इतिहास बदल गए, आज भी बंद दलितों की खातिर भगवानों के द्वार हैं, आज भी धर्म के नाम पे देखो होता अत्याचार है, पटक पटक सर कितने गुजर गए, पर अंधकार ही छाया है, पर अंधकार ही छाया है, पर सोचो के दलित आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। पत्थरों को नहलाते हो तुम, 56 भोग लगाते हो, भूखे नंगे इंसानों को देख के आगे तुम बढ़ जाते हो, अंधविश्वास के अंधकार में हर कोई भरमाया है, पर सोचो के दलित आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। युग बदले इतिहास बदल गए, झूठे आडंबरों की खातिर जज बात तलक बिक जाते हैं, इंसानों की बात ही क्या भगवान तलक बिक जाते हैं, गूंगी बहरी दुनिया को सच का दर्पण दिखलाया है, पर सोचो के दलित आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। युग बदले इतिहास बदल गए, आज भी हक मारे जाते हैं, जीवन कितने वारे जाते हैं, मानवता को कर शर्मिंदा आज भी ये देखो कर जाते हैं, चारों ओर अंधकार है छाया, शैतानों का साया है, पर सोचो के दलित आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। युग बदले इतिहास बदल गए, दलित नारी की इज्जत लुटती, लूट के इज्जत मार दी जाती, दलित नारी की इज्जत लुटती, लूट के इज्जत मार दी जाती, इन वैसी दरिंदों को देखो तनिक शर्म भी है ना आती, इंसानियत बेमौत है मरती, दूषित मन और काया है, पर सोचो के दलित तो आज भी क्या तुमने यहाँ पाया है। युग बदले इतिहास बदल गए, युग बदले इतिहास बदल गए। जय भीम जय भारत। प्यासा जी, आपकी कविता में ऐसा लग रहा है कि आपका दर्द बाजी पे है और झलकता है। और प्यासा जी, महेंद्र जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा, जो आपने ये प्यासा नाम लगाया है, इसका क्या तात्पर्य है? सर गुरुदत्त साहब की एक फिल्म थी प्यासा, और उसमें जो उनका करेक्टर था विजय, मैं कहीं ना कहीं उस करेक्टर से इंस्पायर हूँ और मैं अपने आप को उनके बहुत समीप पाता हूँ। सर 84 में मैंने लिखना शुरू किया था, तो तब मैंने बहुत सर्च किया मैं क्या तखल्लुस रखूँ, तो मुझे प्यासा तखल्लुस अच्छा लगा और इसी नाम से लिखता हूँ, और इसी नाम से जो लोग मुझसे जुड़ना चाहें फेसबुक पे या ट्विटर पे या यूट्यूब पे, मेरी इसी नाम से आईडी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।